Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So today's cue card is describe a person who solved a problem in a smart way. एक ऐसे इंसान के बारे में बताना जिसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी बहुत ही स्मार्ट तरीके से. एंड सब क्यूज आर हु दिस पर्सन इज, ये इंसान कौन है. व्हाट द प्रॉब्लम वॉज, आपने बताना कि कौन सी प्रॉब्लम उसने सॉल्व की थी. नेक्स्ट वन इज हाउ ही और शी सॉल्व इट, कि ये प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व की. एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाई यू थिंक ही और शी डिड इट इन अ स्मार्ट वे, कि आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ये प्रॉब्लम स्मार्ट तरीके से सॉल्व की थी. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस. प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, कि जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे ज़िंदगी के पार्ट एंड पार्सल है. इसका मतलब होता है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि जो कुछ चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करनी होती है, जो होनी होती है, अनवॉइडेबल होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं. चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ दैट गिव्स अस एक्सपीरियंसेस, मेक्स अस लर्न एंड हेल्प अस टू बिकम वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर, कि जो चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ की, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हम उससे नई चीज़ें सीखते हैं और हम वाइजर और समझदार और स्ट्रॉन्ग बनते हैं. सम पीपल हैव ग्रेट प्रेजेंस स्किल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ वाइज वे, कि कुछ लोगों में जो प्रेजेंस स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे और समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं. एंड फॉर्चुनेटली आई नो वन सच पर्सन, कि फॉर्चुनेटली मुझे भी एक ऐसा इंसान पता जो स्मार्ट वे में प्रॉब्लम सॉल्व करता है. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फ्रेंड हु इज़ कूल एज क्यूकम्बर. ये यहाँ पर हमने एक idiom यूज़ किया है, कूल एज क्यूकम्बर. इसका मतलब होता है जो कूल हेडेड होता है, कि यहाँ पर मैं एक दोस्त की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है राज, जो कि एक बहुत ही कूल हेडेड है. वी हैव नॉन ईच अदर सिंस आर प्राइमरी स्कूल डेज, कि हम एक दूसरे को अपने प्राइमरी स्कूल डेज से ही जानते हैं. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि वो अभी स्टूडेंट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है. माई फ्रेंड राज हैज़ गुड नॉलेज ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कि मेरा फ्रेंड जो राज है उसको अच्छी नॉलेज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर, मतलब कार्स और बाइक को लेकर उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है. ही लिव्स एट स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस, यहाँ पर हमने idioms यूज़ किया स्टोन थ्रो अवे, मतलब शॉर्ट प्लेस, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही रहता है वो मेरे घर से, ज़्यादा दूर नहीं रहता, पास में ही रहता है. मी माई डैड एंड राज वर ट्रैवलिंग टूगेदर टू पंचकूला टू अटेंड अ फंक्शन, कि मैं, मेरे डैड और राज हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे पंचकूला की तरफ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए. ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मी एंड राज वर डिस्कसिंग आवर फ्यूचर प्लान्स विद माई डैड एंड वर सीकिंग हिज वैल्यूबल सजेशंस रिगार्डिंग आवर गोल्स, कि जब हम ट्रैवल कर रहे थे हम अपने फ्यूचर्स प्लान, मैं और मेरा जो दोस्त है, हम अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे मेरे डैड के साथ, और हम उनकी वैल्यूबल सजेशंस भी ले रहे थे हमारे गोल्स के रिगार्डिंग. वी वर क्लोज टू आर डेस्टिनेशन वैन फ्रॉम नो वेयर आर कार गॉट ब्रॉक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, कि हम अपने डेस्टिनेशन के जहाँ पर हमने पहुँचना था उसके पास ही थे कि अचानक से फ्रॉम नो वेयर हमारी गाड़ी ख़राब होगी इन द मिडल ऑफ द रोड. एडिंग सॉल्ट टू द वुंड्स देयर वॉज नो मकैनिक टू रिपेयर माई कार, एडिंग सॉल्ट टू द वुंड का मतलब होता है कि जो सिचुएशन पहले ही ख़राब होगा और उसको वर्स बना दे, कि एक तो मेरी कार ख़राब होगी, ऊपर से वहाँ पर कोई मकैनिक भी नहीं था मेरी कार रिपेयर करने के लिए. आई ट्राई टू फिगर आउट द फॉल्ट बट आई कुडंट, कि मैंने ट्राई किया प्रॉब्लम जानने की क्या प्रॉब्लम होगी कार में, पर मुझे नहीं पता लगी. एंड द सिचुएशन गॉट द बेटर ऑफ मी, ये idiom का मतलब है, गॉट द बेटर ऑफ मी का मतलब होता है कि मैं स्ट्रेस में आ गया, मेरे पे जो सिचुएशन थी वो भारी होगी. वेयर एज राज वॉज कूल हेडेड, कि मैं स्ट्रेस में आ गया था पर जो मेरा दोस्त था राज वो फिर भी उस सिचुएशन में कूल हेडेड था, शांत था. एंड देन राज केम टू द रेस्क्यू, फिर वो मेरी हेल्प करने आया मेरे दोस्त राज. ही सेड लेट मी टेक द चार्ज एंड इन नो टाइम ही डायग्नोज द प्रॉब्लम इन द प्लग्स एंड द फॉल्ट वॉज बैड स्पार्क, कि उसने फिर चार्ज लिया मैं इसकी, हाँ कि मैं चेक करता हूँ कि अब मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है. तो उसने एकदम से ही पता लगा लिया कि क्या प्रॉब्लम है, उसको पता लगा कि प्लग्स में प्रॉब्लम है और क्या मेन प्रॉब्लम क्या थी, बैड स्पार्क थी. ही मूव्ड ऑल प्लग्स एंड क्लीन्ड देम प्रॉपरली, उसने क्या किया, उसने रिमूव किए सारे प्लग्स, उनको साफ़ किया अच्छे से. आफ्टर ही इंस्टॉल देम प्रॉपरली एंड टोल्ड मी टू स्टार्ट माई कार, फिर उसने वो प्लग्स को इंस्टॉल किया प्रॉपरली और मुझे कहा कि कार स्टार्ट करो. सरप्राइजिंगली माई कार इमिजिएटली स्टार्टेड एंड इट वॉज रनिंग सो स्मूथ, कि वो सरप्राइजिंगली एकदम से बिल्कुल स्टार्ट हो गई और बिल्कुल स्मूथ चलनी शुरू हो गई. आई मस्ट से आई हैव सीन हिम ऑन न्यूमरस ओकेशन वेयर ही केम विद हिज क्लेवर आइडियाज़ इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कि मैंने उसको काफ़ी ओकेजन्स पर देखा है कि जहाँ पर वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है और कूल हेडेड रहता है और अपने क्लेवर आइडियाज़ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है.
ही सिंपली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन मिनट्स एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प, कि वो क्या कि बहुत ही जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को पता कर लेता, उसको आइडेंटिफाई कर लेता और हमेशा रेडी रहता है लोगों की हेल्प करने के, किसी भी हेल्प करनी हो हमेशा हेल्प करता है। आई विश आई कुड बी लाइक हिम, एंड में हमने बता दिया कि आई विश कि मैं उसके जैसा हो रोता। सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइज, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज।